ग्रेवी वाला राजमा सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी है। इसको आप चावल के साथ, पराठा के साथ खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए 2 मीडियम साइज का टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, मैं सबको मिला के मिक्सी जार में पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट बनके तैयार है। सामग्री एक बड़ा प्याज जो बारीक काट के रखी हूँ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, खड़ा गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 जावित्री, 2-3 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 तेजपात। ये राजमा में रात भर भिंगो के रखी, सुबह इसको धो के अच्छी तरह से रखी हूँ जालीदार बर्तन में। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का राजमा है। अब मैं सभी खड़े मसाले के साथ इसको कुकर में उबालूंगी। पहले मैं राजमा डाल रही हूँ। अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक, मात्रा अनुसार हल्दी पाउडर, दो तेजपात और जितना खड़ा मसाला गरम मसाला का है वो सब मैं उबालने में ही डाल दूंगी। और मैं राजमा में इतना पानी डालूंगी जो कि राजमा से ऊपर दिखे, क्योंकि कम पानी डालने से राजमा उबलने टाइम फट जाता है, जो कि खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, इससे राजमा फटता नहीं है। देखिए मैं सभी सामग्री को मिलाकर इस तरह दिख रहा है। अब मैं इसमें कुकर में 2 सीटी लगा के फिर थोड़ा देर कम आंच में इसको रखूंगी। अब मैं उबाल रही हूँ। एक कढ़ाई लिया, इसमें मैं 2 चम्मच शुद्ध घी डाल रही हूँ। राजमा मैं शुद्ध घी में ही बनाती हूँ, इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब मैं इसमें 2 तेजपात डाली। अब मैं इसमें प्याज पहले सुनहला कलर तक पका लूँगी। देखिए मेरा प्याज हल्का हल्का सुनहला कलर दिख रहा है। अब मैं और थोड़ी देर पका के इसमें 1/2 ग्लास पानी डालूंगी, ताकि सभी प्याज अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। इसलिए मैं इसमें पानी डाल के धीमी आंच में पका रही हूँ। इससे क्या होता है, पेस्ट बना हुआ जो मसाला है, टमाटर, अदरक, मिर्च, सभी एक तरह मिल जाएगा। देखिए मैं ये पेस्ट भी डाल दी। अब मैं सबको मिला रही हूँ। देखिए एक तरह मिल गया प्याज और टमाटर दोनों। अब मैं थोड़ा हल्दी डाल रही हूँ कलरफुल दिखने के लिए। अब मैं इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, तीखा आप अपने अनुसार डालिए। मैं 2 हरी मिर्च डाली हूँ। देखिए कितना टेस्टी अभी से ही दिख रहा है ये ग्रेवी। अब मैं इसमें एक चम्मच दही डाल रही हूँ,
जो कि ग्रेवी में खट्टापन लगे। आप अगर दही नहीं डालिएगा तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, मैं दही डाली, आपको जो पसंद है वही डालिए। इससे ग्रेवी थोड़ा खट्टापन, राजमा अच्छा लगता है। अब मैं इसमें धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, स्वाद के लिए मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ, इससे स्वाद दूनी बढ़ जाती है। अब मैं इसमें गरम मसाला 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये सब मसाले से ग्रेवी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब मैं रोस्टेड जीरा पाउडर 1 चम्मच डाली। अब सबको मिला के मैं पका रही हूँ। देखिए मेरा ग्रेवी अब बन के तैयार ही है। अब मैं आपको राजमा दिखा रही हूँ, देखिए ये कितना अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें सारे मसाले भुना हुआ डाल रही हूँ। सबको डाल के मैं एक बार कुकर को फिर से बंद करूँगी ताकि सभी मसाले राजमा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और स्वाद को बढ़ा दे। देखिए इस तरह दिख रहा है। अब मैं थोड़ा देर 2 मिनट के लिए मैं इसको गैस पे लो फ्लेम पे रखूँगी। अब राजमा बनके तैयार है, देखिए कितना स्वादिष्ट कलरफुल ग्रेवी वाला राजमा बन गया। अब मैं इसको चावल के साथ दही के साथ परोस के दिखा रही हूँ। आप इसको ज़रूर बनाइए और खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।